हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो होप आप सब बढ़िया होंगे। हमारी तरफ तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीजे फिल्स पे। तो दोस्तों, आज हम लोग आ रखे हैं एक रैंडम जगह में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा है। देखिए, आज सुबह से ही बारिश थी, कल भी बारिश थी और फिर परसों भी बारिश थी। तो जस्ट अभी बारिश शुरू की, तो हम लोग अभी निकल चुके हैं अपने घर से, आ गए हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाने के लिए। तो फिर आज हम लोग आ रहे हैं नवदीप की स्कूटी से। कैमरे के पीछे है नवदीप, तो अभी हम लोग आपको नवदीप से भी मिलाएंगे दोस्तों। अभी हम लोग खड़े हैं ओल्ड HMT के पास में, और जो ये सीधा रास्ता जाता है, ये जाता है सीधा रॉकऑन कैफे की तरफ। पर हम लोग रॉकऑन कैफे नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे एक नई जगह और फिर करेंगे कुछ नया एक्सप्लोर। तो हम लोग फटाफट से बैठते हैं स्कूटी के अंदर। स्कूटी तो बहुत धांसू है यार, इसका कलर बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है नवदीप ऐसे। हाँ। कौन सा कलर है ये? मैट रेड बोल सकते हैं वैसे ये। मैट रेड। तो देखिए, बहुत खूबसूरत स्कूटी यार, एकदम मजा आ गया। बाइक के बाद में बहुत टाइम के बाद स्कूटी चला रहा हूँ, तो देखने में बड़ा मजा आ रहा है भाई स्कूटी को। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल। तो फिर हम लोग फटाफट से बैठते हैं स्कूटी में और फिर चलते हैं सीधे नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो चले भाई? बिल्कुल चलिए। तो फिर चलो। दोस्तों, तो हम लोग अभी पहुंच गए अपनी लोकेशन में, और क्या मौसम हो रहा है यहाँ पे, मजा ही आ गया भाई एकदम। मैं तो यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ। पानी का फ्लो भी बहुत ज्यादा है अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो बारिश आज ही रुकी है। तो देखिए, पानी का फ्लो आप चेकआउट करिए, बहुत ज्यादा है। और देखिए, पुल भी बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। और देखिए, भैया जा रहे हैं गुब्बारे उबारे बेचने के लिए, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये देखिए। तो यहाँ पर आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं स्टे के लिए। ये देखिए, यहाँ पर आप लोग अपनी फैमिली के साथ स्टे के लिए भी आ सकते हैं। और ये रहा, देखिए, छोटा सा कैफे है, और सामने यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई हुई है, तो रास्ता सिर्फ खाली यहीं तक ही है। जो आगे मोड़ है, इसके आगे रास्ता बंद है। तो हम लोग अभी चलते हैं नदी के पास में और आपको दिखाते हैं दोस्तों। चलें फिर भाई, आइए चलिए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं, क्योंकि ये जगह है ही इतनी सुंदर। मेरे को हल्द्वानी में रहते हुए इतने साल हुए दोस्तों, पर मैं यहाँ पर नहीं आया। ये जगह कैसे मिस कर दी भाई? कोई बात नहीं, हो जाता है। ये तो बात है भाई, यहाँ से लग रहा है भाई तेरे को छलांग माननी पड़ेगी नीचे। रिस्की रस्ते वैसे, जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर रिस्की होता है जरा। तो बहुत सारे लोगों को तो लग रहा है हमारी वीडियो देखकर ही पता चलेगा हल्द्वानी में ये भी जगह है करके। तो फिर जिसको ये पता है कि यहाँ पर ये जगह है, तो वो लोग कमेंट करके जरूर बताना कि उनको पता है ये। क्यों भाई? जो यहाँ पे आ रखे हैं तो वो जरूर उनको कमेंट करके बताना। पुराना भी एक पुल था शायद, देखिए यहाँ पे पूरा, जब यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होगा तो देखिए पूरा पुल यहाँ पे टूट गया है, इतना ही बचा हुआ है बस ये। 1933 का पुल है 1933 से भी पुराना लग रहा है भाई मेरे को। 1800 में तो नहीं बना था ये। पानी का फ्लो देखिए दोस्तों, क्या लग रहा है पानी। दोस्तों, तो हम लोग अभी नदी के जस्ट बगल में आ चुके हैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि नदी पीछे पत्थर ढूंढ रहा है। तो फिर हमारे पत्थर ढूंढने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। हम लोग आज यहाँ पे, भारत सरकार है इसका, जो BJP के कार्यकाल में, हम लोग यहाँ पर एक इमारत बनाना चाहते हैं। तो फिर हम लोग अभी दिखाएंगे आपको एक इमारत बना के। तो फिर उसी के सिलसिले में नवदीप यहाँ पे पत्थर ढूंढ रहा था। तो फिर यहाँ पे नदी की आवाज़ भी आ रही होगी दोस्तों आपको, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसको ज़रा सा आप इग्नोर करिएगा। सारे पत्थर मिल गए भाई, तो फिर अभी हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे। देखिए कितना तेज फ्लो है पानी का, तो हो जाए भाई शुरू। भाई सपाट पत्थर चाहिए रहेंगे इसमें। भाई कितना मंजिला बन रहा है? पहले सर्वे हो रहा है।
भाई सबसे पहले हमको यहाँ पे खड्डा खोदना पड़ेगा लग रहा है। जब अगर बुनियाद बढ़िया होगी तो घर भी बढ़िया बनेगा। क्यों? यहाँ पे आइकॉनिक टावर बना के हम लोग छोड़ जाएंगे, फिर हम लोग आएंगे इसको 10-15 दिन के बाद देखने के लिए कि ये अभी जीवित है नहीं है। तो भाई हमको ऐसा बनाना है कि भयंकर लगे, उसके बाद ऐसा पुताई भी तो होगी। दोस्तों देखिए अभी हमारी बिल्डिंग इतनी बन चुकी है तो फिर इसमें लग रहा है कि हमारी मैन पावर जरा कम पड़ रही है, तो सिर्फ ये नवदीप के बस की बात नहीं है, दो हाथों से नहीं हो पा रहा, तो चार हाथ इसमें लगने पड़ेंगे, तो मेरे को भी काम करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कैमरे को करते हैं सेट और फिर इस इमारत को करते हैं हम लोग पूरी। चलो भाई तो दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत के बाद हमारा अभी इमारत का काम पूरा हो चुका है। तो फिर कैसी लग रही है देखने में? दिखा दो जरा एक बार। अभी दिखाते हैं दोस्तों, तो फिर आप तैयार है हमारी इमारत को देखने के लिए? अगर आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो फिर लाइक करें, कमेंट करें और फिर शेयर करें मेरी इस वीडियो को, और फिर इतनी अगर मेहनत कर रहे हैं हम लोग तो आप लोगों को भी जरा अपना प्यार दिखाना बनता है दोस्तों। कुछ लोग मेरे वीडियोस को सिर्फ खाली देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पर अगर मेरी वीडियो देखें तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा धमाकेदार कंटेंट आने वाला है और ऐसी ऐसी इमारतें तो हम अभी और बनाते रहेंगे और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कंटेंट आ जाएगा दोस्तों, जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा ऐसा कंटेंट आ जाएगा कभी कभी। तो फिर अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी इमारत। दिखा दिया है बैक कैमरे से? देखो भाई दोस्तों, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी के पास। गवर्नमेंट का टेंडर मिला था हमको दोस्तों ये इमारत बनाने का, जो कि हमने सक्सेसफुली पूरा कर दिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर को, क्योंकि मौसम भी ज़रा सा ख़राब हो रहा है यहाँ पे, लग रहा है कि अब बारिश ही आएगी। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हर जगह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन है। दोस्तों तो हम लोग इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो फिर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और फिर मेरे चैनल डीजे फिल्म्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर अब आपसे मिलते हैं एक नए दिन एक नई जगह, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।